और जी अबू जी ने भी जेड़ा ना सदा लिया। अच्छा अबू जी, क्योंकि पिछली सर्दियों से आप छापर वगैरह इतने ता नहीं रखे ना, मैं सोच रहा इटा तो पईया ने इतने जेड़े ना पिलर वगैरह उसार के इत तीन एक मुन उसार के इस जगह ने एक दो, दो हाँ जी ठीक हो गया। मैं सर्दियां जेड़ी निकल जावा तो इंशाल्लाह फिर जेड़ा ना आप वगैरह पावे सर्दियां। बेगम साहबा जी ने चावल गर्म कर रहे हैं क्योंकि अबू जी अग हूँ मैं जी अग पई है तो ना जेड़े के दे देने। हाँ भूख बड़ी लगी खड़ी सवेरे नाश्ता असं करने का फिर जी ने सियाली तिकर को नहीं बनाई मैं चावल पैने ही गर्म करके खावे। तो मेरे दिली जी की ख्वाहिश वो भी जी तुम दस दिना कि जो मेरी दिली ख्वाहिश अल्लाह पाक कदी ना कदी पूरी करेगा इंशाल्लाह तुम जी दस दिना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दुआ करना मैं तमाम बहन भीरा जिते भी मैंने खुश रहने बाद रहने हमेशा दिन मुस्कुरा रहे तो अलहमदुल्ला मैं बिल्कुल ठीक ठाक हाँ। वीडियो शुरू करने पहले तमाम बहन भीरा से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लो और घंटे निशान बड़ा भुलाया ताकि आने वाली हर नवी वीडियो तुहाडे तक बासानी पहुँच सके। तो मौसम जेहड़ा ना तकरीबन इस टाइम भी खराब ही आ और अगर जेहड़ा ना महीने डेढ़ तक जी ना सर्दी भी आ जानी तो सोच रहे हैं किचन का जेहड़ा ना कुछ कर ली क्योंकि पिछलियां सर्दियां जेहड़ा ना टोटल क्योंकि तुम पिछले विलागा वेख्या ही होना कि छापर वगैरह उपर ताण के ना किचन से जरा गुजारा करते हैं लेकिन हूँ माशाल्लाह इटा तो क्योंकि मैं एक दो विलागा पहले कह चुके हैं लेकिन जरा फिर अपसैटिंग ही बन गई इस करके किचन नहीं बना सकिया तो उपरों जी बारिशा उन्होंने वजह काम नहीं कर सकिया। तो ऐला जो समान पे इन्होंने ही किचन जरा तैयार करने तुम दिखा दें समान क्योंकि ऐला जो समान है ना बांस तो कोई लकड़ा वगैरह जीडिया पे तो इन्हों का ही किचन उत्थे मतलब कि इटा तो पा कुछ तकरीबन 500 सौ इट लगेगी मोन वगैरह सारे तुम वही सारा जी जगह दिखाना अगर पैन नुमान आ जा सही है ना क्योंकि पिछली सर्दियों के ना छापर जरा ना उपर असी ताणी रखे से तो उनकी वजह जरा काफ़ी परेशानी होंगी क्योंकि छापर जरा ना उड़ जाता फिर जरा ना वही गल क्योंकि जिस टाइम किचन लिंबाई करना उस मौसम जरा ना फिर उमें बदल वगैरह तो बारिश आ जाती है इस करके किचन जरा ना तकरीबन 2 हफ्तों का उमें टुटिया पाया किचन जरा ना कोई नहीं बनाया लेकिन हूँ इंशाल्लाह जेहड़ा ना बनाने वो भी मौसम जेहड़ा ना क्योंकि कल दी मैं तैयारी की है तो मौसम जेहड़ा तुसी वेख सकते हो फिर जेहड़ा ना उवें खराब हो गया बदल ही बदल आ गया और मिट्टी जेहड़ी ना इट्टां हटा के ते तंदूरां दी जेहड़ी मिट्टी है ना फिर जेहड़ी ने सटने आ क्योंकि रशका वगैरह जेहड़ा ना किराए ते लै आवांगे ते मिट्टी दे जेहड़े 10 रशके तंदूरां दे वास्ते जेहड़े स्टाक कर लैणे आ तरंगे वगैरह जेहड़े ना पए ने मुंज भी जेहड़ी ना होर लै आने क्योंकि सर्दियों के जेहड़े ने बना के तकरीबन कोई 100-150 तंदूर पिछली सर्दियों वांग रखांगे सही ना अनुमान तो बना के रख लवेंगे क्योंकि फिर जी गाहकों का जो रश पाता परेशानी नहीं आती तो मिट्टी ए वाली कुट के जेहड़ा ना करे कोई बिचू तकरीबन 15-20 बठल उपर जी छत्ता मिली बनियां क्योंकि मजबूत होवनगियां ना दूसरी कच्ची मिट्टी जी ना फिर उमें खुर जाती है तो तकरीबन जिमें किचन थोड़ा थोड़ा लिंबिया से बारिशा जिन्हिया भी आईया ने किचन जेहड़ा ना खुरिया नहीं आ लेकिन जेहड़ा ना वो फिर उपर बच्चे वगैरह जो चाड़ कदा जी टुट गई तो लेकिन जी मिट्टी खुरी नहीं इन्हें इन तकरीबन 20-21 बठल हो गए ना तो छत्त जोवें पतलिया पतलिया लिंबी जावनगियां तो बाकी किचन तुम दिखा देना भी किस तरीके करके पा रहे हैं कमेंट करके जरूर दसना भी इस तरह ठीक कर रहे हैं कि नहीं क्योंकि ऐली जगह भी जी टुटी पी क्योंकि लाल मिट्टी ना जेहड़ा तंदूर वाली मिट्टी ने इनू लिंबिया से मुंज वगैरह पा के बिल्कुल बरीक बरीक लिंबिया बारिशा जिन्हिया भी आईया ने मिट्टी खुरी नहीं इतें जी कच्ची मिट्टी लाई आई ये जी टोटल खुर के इतों जी डिग गई है तो जिथे जिथे लाल मिट्टी लाई है कोई नहीं उतु खुरी इस करके छत्तों जेड़ा उपरू इस मिट्टी ने लिंब लवेंगे तो इनशाला मिट्टी के जो रशके ने वह भी सटावे तो और एक मुन जेड़ा ना इस नुक्कर से बनावे एक मुन इतने सेंटर एक मुन इस नुक्कर से यह तीन पिलर बन जाएंगे उस बाद ज़्यादा उच्चा नहीं लै जाना सिर्फ इतनी हाइट रखनी इतने जिथे पहले बने हुआ और इतों जी ना एक इट काढ़ लवेंगे एक इट इतों काढ़ लवेंगे सेंटर जो भी तीन उपर जेड़ा ना वांस रख के तो उपर जेड़े फिर होर जोड़ के तो कोई काने वगैरह यहोजी कोई चीज़ पा के उपरों जेड़ा लिंब देवे सर्दियाँ जीडिया ना VIP गुजर जावनगियां तंदूरी भी जी नवी लानी क्योंकि अगली तंदूरी जी सारी टोटल तेड़ा ही तेड़ा पाई गई तो टुट गई है तो पिछु जो रोटियों के नाल रेत वगैरह जी हो दी है इस करके तंदूरी भी जी नवी लानी है समझ लगे एक बार किचन जेड़ा सारा अगला टोटल ढा के टोटल दोबारा जेड़ा ना नवा करके उसारांगे तो मिस्त्री वगैरह कोई नहीं लाना क्योंकि मिस्त्री की दिहाड़ी वगैरह समझ लो कि 2000 पै जाती है 1200-1300 रुपया वैसे दिहाड़ी लै लेंदे तो बाकी खर्चा हो जाता इस करके जेड़ा ना आप ही करांगे डिंगा सीधा उसर गया कोई मसला ही कोई नहीं इस करके सारा किचन जेड़ा ना आप ही तैयार करांगे और एक जेड़ा ना वो दरवाजा भी
बैठा गला बंद करना, वो बंद इस करके करना क्योंकि खतरा जरा काफ़ी सारा, क्योंकि चोरी वगैरह जैसे इतने बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इतने जरा रात में थोड़ा जहा डाउट पे क्लीयर नहीं आ, थोड़ा जहा डाउट पे कि दो तीन इटा जी लथियां ने चोर लाइया ने वगैरह जो कोई भी डाउट आ क्लीयर नहीं आ, क्योंकि इस तरह इटा जी भी मैं जोड़िया सी वैसे जड़िया जोड़िया उपरों जी इस तरह इटा एक दो लथियां कुछ तो पहले लथियां हुई सी एक दो इटा जथियां रात में जोड़ा ना खड़ा कर, इस करके इनू भी गारा जोड़ा ना बारों कच्ची मिट्टी का बना के टोटल जो उसार के उपर तक बंद कर देंगे, सीमेंट ने नहीं उसारना क्योंकि बाद चिट्टा फिर तोड़निया पौनिया ने, तो थले जगह भी जी इतों बर्थी पा के गेट के बराबर ये भी बंद कर देनी सही नुमान, और टैंकी वगैरह जी ने इतों चा लेनी है क्योंकि इन लकड़ा वगैरह तो होर कोई फालतू फालतू समान जो रखे हो इतों सारी टोटल जी ने सफाई वगैरह कर लेनी, अबूर वाला बरांडा जोड़ा ये भी अपना जोड़ा लिंबड़ा छत्तों की जी ज़्यादा टेंशन वो भी लिंबड़िया क्योंकि उपर जाना बारिशों के आन के टोटल घा वगैरह जोड़ा फुटिया खड़ा और जोड़े ना उपरों सुराख होए खड़े आ बारिशों की टोटल पानी जोड़ा अंदर कमरों के चौदह, क्योंकि एक बार जोड़ा ना गुजारा करने गुजारा तो नहीं माशाला चोन अच्छा खासा जोड़ा ना किचन बन जाएगा जो कुछ छप्पर वगैरह बन जाएगा पिछली निस्बत सर्दियों तो छापर न तो बेहतर ही बन जाएगा, तो इंशाला फिर जो अल्लाह पाक ने गुंजाइश दी कमरे भी पावे और किचन वगैरह जोड़ा ना वो भी बना लवेंगे बरामदा वगैरह भी बना लवेंगे, क्योंकि खर्चे जोड़े ना बहुत ज़्यादा और उपरों जोड़ा नाल शुरू करना मैं क्योंकि बारिशा जीडिया ने रुकी खोती हैं, क्योंकि अगर मैं तंदूर में लिंब देव तकरीबन हफ्ता एक पूरा चाहिए होना तंदूर में सुकन वास्ते हफ्ता पूरा लगातार बारिश ना हो फिर तंदूर जो बाहर निकल सकते हैं, और मिट्टी कुटन वाली जी जगह वो गिली हो जाती इस करके मिट्टी भी जी नहीं कुटी रही, तो इतने फरज तो कुटिए तो फिर जो थलों फरज जोड़ा ना ये टुट जाना इस करके नहीं कर रहे हैं, क्योंकि खर्चा इंज करके हूँ भी अल्लाह पाक का लख लख शुक्र है जो मिल रहा गुजारा उनके नाल हो रहा, क्योंकि किसी किस्म की कोई कमी नहीं है, क्योंकि खर्चे भी अगे जोड़े सामने भी बहुत ही ज़्यादा महंगाई की वजह तो होकर ना खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि सुकून आराम ना जोड़ा 15-20 हज़ार महीने का खर्चा हो जाता है, तो बाकी नाल शुरू करने ना तंदूरों का तो चूल्हों का तो नाल कोई होर जोड़ा मैं सोच रहा कि बाहर जी ना समोसे पकौड़िया की जी ना, क्योंकि मैं शुरू तो दसदा जावा क्योंकि जो मेरी शादी हुई सी ना इतने जोड़ा ना मैं समोसे पकौड़िया की जी ना दुकान वो भी जी लाई रखी है चिप्स समोसे पकौड़े रोल समोसियाँ यहोजी जी चीज़ा रेडी लिया के इतने लादा सी दरवाजे तो अलहमदुल्ला माशाला काफ़ी अच्छी खासी सेल हो जाती है, और मिस्त्रियों के नाल जोड़ा ना मैं मजदूरी भी करता रहा और रशका भी चलाया भाई अहमद अली नाल दुकान पर भी काम किया उत्थे फ्रूट वाली रेहड़ी भी लाई बाद रशका लिया रशके से भी जोड़ा ना फ्रूट केले वगैरह यहोजी चीज़ा जी मैं फेरी करता रहा, तो हूँ इंशाल्लाह जोड़ा ना नाल तंदूरों का करा बार तंदूरों का भी एड्डा जोड़ा चूल्हों का भी एड्डा नाल जोड़ा नाल जो समोसे पकौड़े जोड़े ना ये भी बना के सेल करा, और जी अबू जी ने भी जोड़ा ना सदा लिया अच्छा अबू जी क्योंकि पिछली सर्दियों आप छापर वगैरह इतने ता ही रखे ना मैं सोच रहा इटा तो पईया ने इतने जोड़े ना पिलर वगैरह उसार के इतने तीन एक मुन उसार के इस जगह तो जी एक दो हाँ जी ठीक हो गया मैं सर्दियाँ जी निकल जाव तो इंशाल्लाह फिर जरा आप वगैरह पावे सर्दियों के बच्चे ठीक है लै नुमान ओके हो गया यस हाँ जी हाँ जी हाँ जी ले चावल जोड़े ना क्योंकि रात में मैं उधरों लैन दिया चाचू और अबू जी कह रहे जो गर्म करके दौ तो बेगम साहब जी ना चावल गर्म कर रही है क्योंकि किचन का मशवरा जो अबू जी ने भी देता तो हूँ जो इंशाला एक दो दिन जो तमीर करने बेगम साहब जी ने चावल गर्म कर रहे हैं क्योंकि अबू जी अग हाँ मैं जी अग पई है तो ना जी दे दें हाँ भूख बड़ी लगी खड़ी सवेरे नाश्ता अस करने सिरा का फिर जी सियाली तक को नहीं बनाइया मैं पैने ही गर्म खावे तो रोटियां जड़िया ने शाम टाइम या दोपहर टाइम बना लवेंगे नुमान इधर पिछे हो मेरी दिली जी ना ख्वाहिश वो भी जी तू दस दिना कि जो मेरी दिली ख्वाहिश आ वो भी अल्लाह पाक कदी ना कदी पूरी करेगा इंशाल्लाह तुम जी दस दिना आ जड़ा अबूर वाला कमरा इन मेरी सोच आ कि जी ना मैं दुकान जी किराने की फ्रूट की जी पावगा और अबू जी और एसान खड़ोता हुआ जिते अबूर का बरांडा वगैरह बना इतने जोड़ा ना अबूर एक कमरा नहीं दो कमरे एक कमरा इतने बना के देव
ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨਾਂ ਦੀ ਅੰਮੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਅੰਮੀ ਅਬੂਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾ ਸੰਟਕੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਰਾਮਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨੇ ਮੈਂ ਬਣਾਵਾਂ ਸ਼ਟਰ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੱਟ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਤੰਦੂਰ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਸਮੋਸੇ ਪਕੌੜੇ ਵੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਨਾਲ ਕਿਰਾਨਾ ਸਬਜ਼ੀ ਫਰੂਟ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ 5 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਵਾਬ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅੰਮੀ ਅਬੂਰਾਂ 2 ਕਮਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬਰਾਮਦਾ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਦੁਕਾਨ ਕਿਰਿਆਨੇ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਫਰੂਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੋਟਲ ਇੱਥੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਅਤੇ ਖਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਉਸੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਰਦੀਆਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਖਵਾਬ ਵੀ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂ ਜੀ। ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਚਾਵਲ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸੇਕ ਲਏ, ਔਰ ਫਰਾਈ ਪੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਵਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਡੁੱਲਣ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਦੇਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਗਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੁਮਾਨ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਰਹੇ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਚਾਵਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਰ ਗਿਆ ਗਰਮ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੱਬੂ ਜੀ ਕਰਵਾ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਹੀ ਖਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਚਾਵਲ ਹੋਰ ਪਵਾ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਇੱਧਰ ਲਿਆਇਆ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋਤਾ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿ ਟੂਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਚਲਦੀ ਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਪਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਵੇਂ ਡਾਊਟ ਜਿਹਾ। ਚੱਲ ਕੇ ਜੇ ਚਾਵਲ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨੁਮਾਨ ਆ ਜਾ, ਨੁਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਨੁਮਾਨ? ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਚਾਵਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਖਾ ਲਏ, ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰੋਟੀ ਪੱਕੇ ਜਾਂ ਨਾ ਪੱਕੇ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹ ਬਿਸਕਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਚਾਵਲ ਖਾ ਲਏ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 4 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੋਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਾ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਬੱਚੇ ਖਿਡਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੋਵਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਸਾਦੀ ਅਲੀਮਾ ਦੀ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਨਿਜਾਬ ਫਾਤਮਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਔਰ ਜੀ, ਇਹ ਇਲਾਜ ਦਾ ਵਿਲਾਗ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਣੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੈਕਸਟ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਵਿਲਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਸ਼ਾਮ ਤੀਕਰ 12 ਸ਼ਨਾਜ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਛੱਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਦਿਓ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।